है गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO में जो न्यू नोटिफिकेशन आउट हो चुका है उसके बारे में। तो गाइज, इस नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है, उस सभी के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी हम देने वाले हैं। तो गाइज, ये जो नोटिस है ये मतलब अप्रेंटिसशिप की पोस्ट के लिए जारी कर दी गई है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की तरफ से, जो कि होने वाला है जोधपुर में। जो ये पोस्ट होने वाली है ये डिफेंस लैबोरेटरी के लिए जगह होने वाली है, यानी कि डिफेंस लैबोरेटरी के लिए ये वेरियस रिक्रूटमेंट आउट हो चुके हैं जोधपुर के DRDO के स्टेशन से। तो गाइज, ये जो अप्रेंटिसशिप की पोस्ट होने वाली है इसमें सिर्फ आपने 10th किया हुआ होना चाहिए। उसी के साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बताया है वो ITI आप पास स्टूडेंट होने चाहिए, यानी कि अगर आपने ITI कंप्लीट किया है, 10th भी आपका हो चुका है, और जिस ट्रेड में अभी उन्होंने बताया है कि इस ट्रेड में हमें मतलब कैंडिडेट्स को एनरोल करना है, तो उन सभी ट्रेड में अगर आपने ITI किया हुआ है उनमें से किसी भी एक ट्रेड में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। तो गाइस, ये जो ITI के ट्रेड होने वाले हैं उसमें जो फर्स्ट ट्रेड है इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक, उसके जो पोस्ट होने वाले हैं वो 2 पोस्ट है, और मैकेनिक डीजल के लिए 2 पोस्ट है, कारपेंटर के लिए 2 पोस्ट होने वाले हैं, उसी के साथ प्लम्बर के लिए 1 वैकेंसी है, वेल्डर के लिए 1 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस यानी कि ICTSM में 2 आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, उसी के साथ टर्नर के लिए 1 वैकेंसी है, मैकेनिस्ट के लिए 1, फिटर के लिए 1, और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि COPA के लिए भी 20 आपका वैकेंसी होने वाली है, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स में जो ट्रेड होता है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 20 वैकेंसीज होने वाले हैं। उसी के साथ स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए यानी कि इंग्लिश में आपके लिए 8 वैकेंसीज है, और स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट इन हिंदी लैंग्वेज के लिए भी 2 वैकेंसीज रखी गई है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस में भी 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ जो टोटल वैकेंसी होने वाले हैं वो है 47 वैकेंसीज। तो गाइस, अगर आप इस फॉर्म को मतलब फिलअप करना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप की, मतलब 1 ईयर की ट्रेनिंग है ये, तो आपको इसमें जो पेमेंट मिलने वाला है वो 7,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, यानी कि 12 मंथ्स के लिए आपको 7,000 रुपीज़ मिलने वाला है एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ट्रेनर के हिसाब से। तो गाइज़, अगर आप मतलब इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, 1 ईयर का ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है उसमें आपको बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स 2018 और 2019-2020 में मतलब पास हुए हैं उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि अगर 2018 से पहले आपने मतलब ITI कंप्लीट किया है, 10th कंप्लीट किया है, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ 2018 से आगे जितने भी कैंडिडेट्स ने ITI कंप्लीट किया है, 10th कंप्लीट किया है, तो वही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, और सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो कम्प्लीटली आपके मेरिट लिस्ट वाइज होगा। तो मेरिट लिस्ट आपका ITI का देखने वाले हैं वो, जिस ट्रेड में जितने वैकेंसीज उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है उसी के हिसाब से आपकी मतलब मेरिट लिस्ट लगेगी, और मेरिट लिस्ट वाइज आपको एनरोल कर दिया जाएगा। तो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का PDF फाइल बनाना है, और उनके जो ऑफिशियल ईमेल है वहाँ पर आपको सेंड करना पड़ेगा। तो गाइज, ये जो नोटिफिकेशन का कंप्लीट PDF है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अगर आपको ये डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर में, तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका PDF का लिंक भी दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही था, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अपडेटेड न्यू कंटेंट्स के लिए। थैंक यू। पूछा गया था X² / YZ, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।